दिवस पर मौजूद है। बिपिन, देखिए एक बड़ा दिन झारखंड के सियासत के लिहाज से देखे तो, समन की आ गया ईडी की तरफ से और अब पहुंच चुके हैं, पूछताछ शुरू हो चुकी है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जमावड़ा सीएम आवास पर लगा हुआ है। लोग जो भी हैं, नेता विधायक जो भी, सब ये कह रहे हैं कि हर परिस्थिति के लिए यूपीए तैयार है। जी बिल्कुल, कल ही पूरे दिन जब बैठकों का दौर जारी था उसी में पूरा खाका तैयार कर लिया गया था कि आज के दिन को लेकर गतिविधियां क्या होंगी। जिस तरीके से पहले सुबह मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम विषयों पर अपना पक्ष रखा और अभी थोड़ी देर पहले वो पत्र भी सार्वजनिक किया गया है जो मुख्यमंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर को लिखा है। 12 बिंदुओं का वो पत्र है जिसमें मुख्यमंत्री ने उन तमाम विषयों का उल्लेख किया गया है जिसका जिक्र उनके समन में किया गया था। मुख्यमंत्री ने जो सबसे बात कही है कि अगर 1000 करोड़ के घोटाले की बात साहिबगंज जैसे जिले में आ रही है तो सोचिए कि वहां टर्नओवर क्या रहा होगा। और एक हल्का आरोप मुख्यमंत्री ने इसे साबित किया है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति पर इस तरह का आरोप लगाना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि पूरी तरीके से बाइसनेस के साथ ये चीजें हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल की भूमिका पर मुख्यमंत्री ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल अब तक लिफाफा नहीं खोल रहे हैं, यानी कि वो भी किसी तारीख का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी कि गवर्नर का बयान जो आया कि दिवाली के बाद रांची में कभी भी बम फट सकता है, उसके बाद ईडी ने समन किया, तो निश्चित तौर पर गवर्नर हाउस पर और राज्यपाल की भूमिका जो ईसीआई द्वारा पत्र भेजी गई है उस पर मुख्यमंत्री ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि गवर्नर की भूमिका जो है वो संवैधानिक तौर पर जो कस्टोडियन होते हैं राज के वो सही नहीं है और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल के इशारे पर गवर्नर हाउस काम कर रहा। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास में मुख्य तमाम जो यूपीए का कुनबा है वो जुटा हुआ है। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल ईडी दफ्तर में मुख्यमंत्री से पूछताछ चल रही है और यहाँ पर जो जमावड़ा था जेएमएम के कार्यकर्ताओं का उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है मोराबादी, ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ थी वो दुरुस्त रह सके। जिस तरीके से जाम की स्थिति हुई थी उसके लिए वैकल्पिक रास्ता भी यहाँ पर तैयार पहले से करके रखा गया था। फिलहाल सभी लोगों को मोराबादी शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में यूपीए के तमाम विधायक मंत्री मौजूद है और ये तब तक यहाँ रहेंगे जब तक ईडी के दफ्तर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पूछताछ चलेगी। जी आरती, बिल्कुल पूछताछ चलेगी। और देखिए कल जब बैठक हुई थी बिपिन, तो उस वक्त ये भी कहा गया था कि जो भी परिस्थितियां बनेंगी, हर परिस्थितियों के लिए हर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है मुख्यमंत्री को, चाहे जो भी बात सामने आए इस पूछताछ के बाद, जैसी भी सियासी स्थिति बनेगी। मुख्यमंत्री जी गए हैं ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए, किस तरीके से पूरे परिस्थिति को देख रहे हैं? देखिए, ईडी ने उनको समन किया था और उन्होंने आज ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी को जो पूछेंगे उसका सहयोग करेंगे, ईडी जो उनको पूछेंगे उनको सहयोग करेंगे, ये बात पहले ही उन्होंने कह चुका है। सर, मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही कि जो आरोप साहिबगंज में अवैध खनन का लगा है वो अगर 1000 करोड़ का है तो टर्नओवर कितना होगा, एक हल्का आरोप मुख्यमंत्री पर लगा है और राज्यपाल की भूमिका पर भी मुख्यमंत्री ने आज आपत्ति दर्ज कराई। देखिए, हर चीज का आकलन होता है, जो आकलन अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये सोचने वाली बात है। हर आदमी को इस पर सोचना चाहिए, जो किसी पर इल्जाम लगा देने से और इतना रुपया का घोटाला होने से हुआ है तो सारे चीज को वस्तुस्थिति को जानकर ही इसको फ्लैश होनी चाहिए। उन्होंने जो आरोप लगाया है तो सरकार की ओर से जो दफ्तर ने आरोप लगाया उसका वो खुलासा करेंगे और आज जो है उनको ईडी बुलाए हैं और उन्होंने गए हैं और हमें खुद कहे हैं भी, हम भी उम्मीद करते हैं वो सहयोग करेंगे ईडी को और दूध का दूध पानी का पानी जो है निकलेगा। सर, एक आखिरी सवाल, ये जो आज है जो संकट की स्थिति हम कह सकते हैं, इससे आसानी से निपट लेंगे आप लोग, सब कुछ ठीक रहेगा? हाँ, निश्चित तौर पर हम बोले कि ये सरकार बनती है और गिरती है संख्या बल पर, इस लोकतंत्र में है और संख्या बल हमारा पास है और मैंने कल भी कहा और आज भी कहते हैं सरकार को कोई संकट है नहीं। ये थे ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम। आरती, इन्होंने साफ कहा है कि सरकार पर किसी तरह का संकट नहीं है, संख्या बल यूपीए के पास है और जिस तरीके से जो बातें
लगातार कही जा रही है, तो उस पर इन्होंने कहा है कि इंटैक्ट है पूरा यूपीए का कुनबा, और जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है आने वाले समय में भी जो हालात बनेंगे सबसे निपटने के लिए पूरी तरीके से यूपीए जो है मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और जहां तक बात है मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं और इसलिए वो दफ्तर भी ईडी के गए हैं पूछताछ के लिए, तो लगातार पॉजिटिव बातें कही जा रही है। जो अब राजनीतिक गलियारे में ये तैर रहा है विपिन की, देखिए अब ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है, ईडी पूछताछ कर रही है सीएम से, दूसरी तरफ बहुत संभव है कि आज शाम तक वो लिफाफा जिसके खुलने का इंतजार पिछले 2-2.5 महीने से हो रहा है, आज शाम वो लिफाफा भी खुल जाए। और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इसका जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे वक्त के लिए शायद इस लिफाफे को खोलने से बचाया गया था और अब ये शायद खुले। जी बिल्कुल आरती, कल आपने गौर किया होगा कि बीजेपी की तरफ से पहली बार ये बयान भी आया कि गवर्नर को अब लिफाफा खोलना चाहिए। राज्य की जनता जानना चाहती है कि लिफाफे में क्या है। जिस तरीके से गवर्नर की भूमिका पर मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर ये कहा कि एक राजनीतिक दल विशेष के तौर पर और उसके इशारे पर कहीं ना कहीं ये काम हो रहा, और गवर्नर लिफाफा भी किसी खास दिन के उद्देश्य से नहीं खोल रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। और अब जबकि मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर जा चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक कौतूहल का विषय और चर्चा का विषय बना है कि आखिर उस लिफाफे का क्या होगा, अगर वो लिफाफा खुलेगा तो कब खुलेगा, क्या वो आज खुलेगा। इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चाएं काफी जोर शोर से है, क्योंकि बीते 48 घंटे में जो चीजें देखने को मिली है वो 22 वर्षों में नहीं देखने को मिला था। जिस तरीके से स्थापना दिवस के कार्यक्रम से गवर्नर की दूरी, आज मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर गवर्नर की भूमिका पर एक तरह से कहे तो आपत्ति दर्ज कराते हुए अपनी बातों को रखा है। और जो सबसे बड़ी बात कि 12 बिंदुओं का उल्लेख मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में ईडी को जो लिखा उसमें किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बालू को, गिट्टी को एक इतना बड़ा रॉयल्टी का साधन अगर माना जाता है, तो जो झारखंड में खनिज संपदा जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए आरती, हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भी हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर राजेश ठाकुर भी पहुंचे। अध्यक्ष जी, यहाँ सभी लोग जुटे हैं, क्या मैसेज आज दी जा रही है और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं? नहीं देखिए, जिस तरह से साजिश और षड्यंत्र रची जा रही है उसके मद्देनजर हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं कि आखिर जो सरकार को अपदस्थ और अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है उसका हम लोग कैसे सामना करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि काफी हल्का आरोप मुख्यमंत्री जैसे पद पर लगाया गया है। बिल्कुल बिना जाने बूझे अगर इस तरह से सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बदनाम करने के लिए, छवि खराब करने के लिए कोई प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से दुखद है। जिस तरह से सीधे सीधे करोड़ों करोड़ रुपए का आरोप लगा देना या सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से, ऐसे नहीं चलता। आप देख रहे हैं किस तरह से अब बिहार में सरकार हमारी है तब वहां के उद्योग मंत्री के यहाँ छापा पड़ रहा है, कल तक उनके साथ उद्योग मंत्री थे तो कोई छापेमारी नहीं हो रही थी। हमें लगता है कि जो अब अंत होने वाला है इस केंद्र सरकार का, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रही है। अब जनता सीधे सड़क पर बिहार, झारखंड, तमाम ऐसे गैर भाजपा जो प्रदेश है उनमें उतरेगी सड़क पर और मुंह तोड़ जवाब देगी। जी एक और बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है कि गवर्नर जो लिफाफा नहीं खोल रहे हैं कहीं ना कहीं किसी दिन के इंतजार में है, और जिस तरीके से उनकी भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। बिल्कुल, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, आप लिफाफा पढ़िए मत पढ़िए, लेकिन लिफाफा खोलिए तो सही। अरे लिफाफा खोलिए और कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जो मन मुताबिक चाहते हैं वही निकले। और सब तो सारी संस्थाएं तो आपके साथ है, उसी मुताबिक लिखवा के मंगवा लीजिए जो आप चाहते हैं। लेकिन हमें लगता है सिर्फ और सिर्फ उहापोह की स्थिति और जो बिचौलिया दलालों का काम नहीं हो रहा है इस राज्य सरकार में, उनको हावी करने के लिए इस तरह से बार बार इस तरह की अफवाह फैला करके कि सरकार जाने वाली है, ताकि इन लोगों को महत्व मिल सके। आरती, ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने भी कहा, साफ तौर पर कहा है कि आज बिहार में भी बिहार के उद्योग मंत्री के यहाँ छापा पड़ रहा है, यानी कि गैर भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की हरकतें की जा रही है और जनता अब सड़क पर उतरेगी। स्पष्ट तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी राज्यपाल की भूमिका पर चिंता जताई है कि जिस तरीके से एक्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं वो एक बड़े साजिश की ओर इशारा कर रहा है। तो पूरी तरीके से मजबूती के साथ आज के दिन को फेस करने के लिए यूपीए का कुनबा जुटा हुआ है मुख्यमंत्री के आवास में।
मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर में आए, कार्यकर्ता सड़क पर आए, सबकी नजरें हैं कि आज ईडी के दफ्तर में पूछताछ के दौरान क्या कुछ होगा। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक कर दिया है मीडिया के माध्यम से कि जो जो चीजें उनसे पूछताछ के लिए जो बातें सामने लाई गई थी उस पर उनका क्या जवाब है, और जिस तरह के आरोप लगे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर जो बीते 3-4 महीनों से राजनीति में एक बड़ा केंद्र बिंदु बना था कि इस पर क्या होगा, उस पर खुलकर मुख्यमंत्री ने बिंदुवार आज जवाब भी दिया है जो स्पष्ट कर रहा है कि अपनी तरीके से पूरा होमवर्क किया जा चुका है, जो परिस्थिति बनी है उससे निपटने की कोशिश में लगातार यूपीए का पूरा धड़ा है, जो यूपीए के रणनीतिकार है वो लगे हुए हैं। पिछली बार रांची से रायपुर तक चीजें शिफ्ट हुई थी। और हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, देखिए राज्य भर से जेएमएम कार्यकर्ता भी जुटे हैं, अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, आक्रोश नजर आ रहा जेएमएम कार्यकर्ताओं में इस समन को लेकर, इस पूछताछ के रूप कहलाता है, और मुख्यमंत्री को ईडी के दफ्तर बुलाया गया है और पूरे राज्य से जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ आप समर्थकों की भीड़ देख सकते हैं किस तरह से समर्थकों की भीड़ है, और ये भीड़ ये बताती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फेवर में तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। तो ये तस्वीर आप देखेंगे, तमाम लोगों के हाथों में झंडा है, पोस्टर है, बैनर है, और ये झंडा बता रहा है कि ये सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। और यहाँ सभी लोगों से जो बातचीत हो रही है ये आप देखेंगे, मुख्यमंत्री आवास के बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिम्मत देने के लिए ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और जन आक्रोश रैली लेकर पलामू गढ़वा से भवनाथपुर से जो समर्थक है वो यहाँ पहुँचे हैं। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर का दृश्य है, और मुख्यमंत्री बाहर में आप देखेंगे काफी दूर तक भीड़ है। तो ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरह से चीजों को लेकर देखिए, हम लोग जो ईडी का दुरुपयोग, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग जो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कराया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसके विरोध करने के लिए हम लोग झारखंड के राजधानी में उतरे हुए हैं, और हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए से लोग आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री को हिम्मत देने के लिए उनके कार्यकर्ता आज ही आ गए हैं। न्यूज 11 भारत के लिए चलिए विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, देखा आपने कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है, सीधे तौर पर यह आरोप है कि जानबूझकर एक साजिश रची जा रही है सरकार को अस्थिर करने की। विपिन, क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आरती, ये बातें पब्लिक डोमेन में, चाहे वो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का वर्कर हो या पार्टी का नेता, प्रदेश का अध्यक्ष हो, विधायक हो या कैबिनेट का मिनिस्टर, सब लगातार हर मंच से ये बातें कहते आए हैं। मुख्यमंत्री भी हर सार्वजनिक कार्यक्रम पर इस ओर जरूर फोकस करते हैं कि एक प्रचंड बहुमत वाली वैसी सरकार, जिसको जैसा कि बहुमत आज तक किसी को 20 वर्षों में नहीं मिला था, वैसी चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की तैयारी की जा रही है। आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और कल भी जब जेएमएम का मिलन समारोह मुख्यमंत्री के आवास पे था, उस दौरान भी हेमंत सोरेन ने कहा था कि षड्यंत्रकारी उन्हें कुर्सी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हर व्यक्ति और हर लोगों का जवाब देंगे क्योंकि उनके साथ राज्य की जनता और गठबंधन के कार्यकर्ता है। तो ये बड़ा मूल विषय बना है। दो दिन पहले जब झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज भी रांची में थे, उन्होंने भी कहा था कि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की तैयारी, और यही वजह है कि लगातार कभी ऑपरेशन लोटस होता है, कभी सरकार खरीद फरोख्त की बातें होती है। तो इसी विषय पर झारखंड का पॉलिटिक्स जो है फिलहाल घूम रहा है कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। वहीं विपक्ष के तरफ से जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उसका कहना है कि सीरियस एलिगेशन सीएम के ऊपर करप्शन के लगे हैं, इसलिए आज से ईडी अपना काम कर रही है और मुख्यमंत्री बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं, ये आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाई जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण दिन लगातार सुबह से जो हैपनिंग है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल ईडी दफ्तर पर पूरे देश की नजर है, जहां
झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कब तक ये पूछताछ होगी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब तक पूछताछ होगा कार्यकर्ता सड़क पर और यूपीए का पूरा कुनबा जो है वो मुख्यमंत्री आवास में मौजूद रहेगा। आरती बिल्कुल आप बने रहिए बिपिन, हम लौटेंगे आपके पास। चलिए इससे पहले और तस्वीरें दिखाएं, लेकिन सुन लेते हैं बसंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, सुनाते हैं आपको, सुनाइए जरा। कुछ लोग हैं जो परेशान हैं इस चीजों को लेकर के, और ये परेशानी उसी वजह से है तो आ गई हो गया, परेशानी नहीं मानते हैं। साहब हमारे गए हैं एजेंसी में अपनी सफाई देकर के, बसंत सोरेन भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, जब हेमंत सोरेन है तो बसंत सोरेन की जरूरत क्या है, और कोई दूसरा है, कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा है, हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन नहीं रहे, कल मैं मीटिंग में नहीं था इसलिए बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में, मैं तो जस्ट अभी पहुंचा ही हूं थोड़ी देर पहले दुमका से, सर के साथ था यहां था। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन है तो फिर किसी और सोरेन की जरूरत क्या है, बसंत सोरेन की जरूरत नहीं, विश्वास है भरोसा है कि जो पूछताछ होगी सहयोग कर रहे हैं हेमंत सोरेन। बहरहाल शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ईडी दफ्तर का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज देखिए पूछताछ चल रही है, मतलब दूसरी तरफ हमने सीएम आवास की भी तस्वीर दिखाई, वहां पर भी कैसी तस्वीर, और वहां पर भी जो नेता विधायक पहुंच रहे हैं ये कह रहे हैं कि एक साजिश है, वो षड्यंत्र रचा जा रहा है किसी तरह से सरकार को अस्थिर कर दे। जेएमएम कार्यकर्ता जो पहुंचे हैं राज्य भर से वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। देखिए इस वक्त जो यहाँ पर माहौल है और जो चर्चा पत्रकारों के बीच में है वो पत्र को लेकर के है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री ने ईडी को पॉइंट वाइज उसका जवाब दिया है और उसमें कुछ चीज़ें कहने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जो कैलकुलेशन ईडी के ही है उसी के अनुसार तो 900 मेट्रिक टन के आसपास ही खनन हुआ है, तो फिर ये इतने बड़े 1,000 करोड़ का जो अवैध उत्खनन का जो आरोप है वो कैसे लगाया जा सकता है, तो ये चर्चा का विषय है। पत्र में ही लिखा हुआ है कि रवि केजरीवाल ने जो है भीतरघात का काम किया है और भीतरघात जो है ये उसमें बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मिसकैलकुलेशन है, और ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय है। अंदर पूछताछ चल रही है तो जाहिर है अब अंदर की पूछताछ में क्या सवाल पूछा जा रहा होगा ये स्वाभाविक समझा जा सकता है कि इससे पहले ईडी द्वारा जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने जो बहुत कुछ बताया है उसमें, चाहे वो पंकज मिश्रा हो, चाहे वो पूजा सिंगल हो, चाहे वो फिर पूछताछ के लिए बुलाए गए अभिषेक प्रसाद पिंटू हो, और ये जो फोकस है वो मुख्यमंत्री की जो खनन पट्टे की लीज के बात मामले में है जिसमें उत्खनन भी नहीं हुआ था अभी, उस लीज को लेने के संबंध में भी सवाल उठ सकते हैं। एक ब्लैंक चेक मिला था पंकज मिश्रा के पास से, उसको लेकर भी सवाल हो सकते हैं। अमित अग्रवाल भी अभी हाल फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं एक मामले में, उसको लेकर के सवाल हो सकते हैं उनके द्वारा। प्लस रवि केजरीवाल जो पहले जेएमएम के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे वो भी बहुत कुछ की पर्सन के तौर पर अपनी इन्फॉर्मेशन ईडी को दे चुके हैं। कुल मिलाकर के जो पीआईएल हुआ था उसमें भी बहुत सारे आरोप थे। ये सब कुछ चीज़ें हैं और इसी के अंदाज के आकलन के मुताबिक जो कहा जा रहा था कि 200 सवालों का एक क्वेश्चन आयर है और उस क्वेश्चन। चलिए लौटेंगे आपके पास, बिपिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिपिन देखिए बसंत सोरेन को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है लेकिन ये उन्होंने कहा कि जब हेमंत सोरेन है तो फिर बसंत सोरेन की जरूरत नहीं या फिर किसी और की जरूरत नहीं, साहब सब ठीक करेंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं। और ये एकजुटता सिर्फ जेएमएम के कार्यकर्ताओं की नहीं, पूरे यूपीए में देखिए ये एकजुटता नजर आ रही है। आज से नहीं, जिस दिन से राज्यपाल के पास वो लिफाफा आया तब से आप देखिए हमेशा ये कोशिश की गई है पब्लिक को दिखाने की या फिर जो ऑपोजिशन है उन्हें दिखाने की कि यूपीए एकजुट है, मजबूत है, किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं, टूटने वाला नहीं।
जी बिल्कुल आरती, 25 अगस्त से झारखंड में एक नई राजनीतिक जो उठापटक का दौर था वो चालू हुआ था, जब 25 अगस्त को ये बातें आई कि ईसीआई ने जो मंतव्य गवर्नर ने उनसे मांगा था उससे संबंधित पत्र राजभवन को भेज दिया। 25 अगस्त से लगातार विधायक को के मुख्यमंत्री आवास में जुटने का सिलसिला हुआ शुरू हो गया था। इस दौरान यूपीए के विधायक को कभी लतरातू डैम ले जाया गया तो एहतियातन 4 दिनों के लिए रायपुर भी शिफ्ट किया गया। उसके बाद 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का एक विस्तारित सत्र बुलाया गया, वहां सरकार ने फ्लोर टेस्ट साबित में मेजोरिटी साबित किया और उसके बाद ताबड़तोड़ बड़े निर्णय 14 सितंबर को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करने की बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम को पारित करने की बात करें, या फिर अब जब विशेष सत्र एक दिन का बुलाकर इन दोनों विधेयकों को पारित कराने की बात करें तो एकजुटता लगातार देखने को मिल रही है। सरकार और यूपीए के नेतृत्वकर्ता जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो बार बार ये कहते नजर आए हैं कि हम एकजुट हैं और हमारी एकजुटता से घबराकर लोग हमारे यहाँ खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। बसंत सोरेन जो मुख्यमंत्री के भाई है उन्होंने भी इसी बात का उल्लेख किया कि एक जो चर्चा अभी बीते 2-4 दिनों से चल रही है कि आखिर क्या हो सकता है, उन संभावनाओं के बीच ये जवाब कि जब हेमंत सोरेन है तो किसी तरह की चिंता की बात नहीं है, तो उनका सीधा इशारा था कि अगर कोई इस बात को लेकर कयास लगाया रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन जैसी स्थिति आती है तो उससे खारिज किया है। दुमका विधायक बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के भाई है उन्होंने आलमगीर आलम से जब हमारी बात हो रही थी उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि हम एकजुट है, सरकार पर खतरा नहीं है क्योंकि जो नंबर गेम है वो यूपीए के अनुकूल है और जो मेजोरिटी के लिए 41 विधायक चाहिए उससे बढ़कर 49 विधायकों का समर्थन इस सरकार को है, तो नंबर गेम में काफी मजबूती है। हाल के दिनों में जो बड़े निर्णय राज्य की सरकार ने लिए हैं, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, पुलिस कर्मियों की क्षतिपूर्ति अवकाश की बात करें, या फिर जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की बात करें, पारा शिक्षकों की बात करें, तो ये वैसे निर्णय है जो अलग राज्य गठन के बाद झारखंड की सियासत में बड़ा ये निर्णयों का मकसद हुआ करता था और इसको लेकर कई बार झारखंड की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं कई करवट बदल चुकी थी। तो ऐसे में एक बड़े बड़े निर्णयों के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और ये भी एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर वो जो लिफाफा बंद है वो अब तक नहीं खुल पाया है। इसके पीछे भी ये वजह बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इससे बैकफायर की स्थिति भी हो सकती है, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है। कब तक पूछताछ होगी ये कोई कह नहीं सकता है। एहतियातन चाहे वो एयरपोर्ट रोड में 144 लगाने की बात करे या यूपीए विधायकों के जुटने की बात करे, हर तरीके से तैयारी पूरी है, नजरें ईडी के दफ्तर के ऊपर है। आरती बिल्कुल नजरें टिकी हुई है और कब तक ये पूछताछ चलती है इसका इंतजार है बिपिन कि कब ये सवाल जवाब का सिलसिला आज खत्म होता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका। तो सीएम आवास के बाहर से हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय तमाम बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, क्या कुछ अब तक परिदृश्य रहा है झारखंड की सियासत को लेकर, जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हैं ईडी दफ्तर, पूछताछ चल रही है उनसे। और चलिए अब हम अपने सहयोगी अंजनी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंजनी। देखिए जेएमएम कार्यकर्ता राज्य भर से जुटे हैं और एक आक्रोश है, थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर भी दिखाई। एक जो सवाल सबके जहन में आ रहा है वो ये कि विपक्ष अब तक चुपचाप बैठा था लेकिन कल अचानक से जब ये बात आई कि आज उन्हें पेश होना है, मुख्यमंत्री को पेश होना है, तब एक सवाल जरूर आया कि राज्यपाल को अब लिफाफा खोल देना चाहिए। और इसी सवाल जवाब को लेकर जब मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री तो उन्होंने ये कहा, राज्यपाल का व्यवहार भी, उस पर भी उन्होंने संदेह जताया, उस लिफाफे को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि सरकार को अस्थिर करने की ये साजिश, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए जिस तरह से तमाम चीजें हो रही है और राजभवन के साथ जो है जिस तरह से राज्यपाल का जो लिफाफा को लेकर बातें लगातार हुई थी और उसके बाद जो तस्वीर बनी 15 नवंबर का दिन जो कार्यक्रम हुआ उसमें कहीं ना कहीं राजभवन और सरकार के बीच में अनबनिया दिखाई दी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम चीजों को पारदर्शी
किसी तरीके से मीडिया के सामने रखा, अपना बयान रखा, और अब देखना ये होगा कि ईडी के दफ्तर में वो उनसे क्या पूछा जाता है और कितनी देर वो वहाँ रहेंगे। लेकिन मोराबादी मैदान का जो दृश्य है आरती, वो हम दिखाते हैं। मोराबादी में हुजूम है, मोराबादी में कार्यकर्ताओं का हुजूम है, पूरे राज्य से कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और जहां तक आप नजरें जाएंगे, आपको शिबू सोरेन की तस्वीर वाली जो झंडा है वो दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भीड़ है, और भीड़ के बीच में तमाम लोग के चेहरे पे क्या होगा। लेकिन हेमंत सोरेन को हिम्मत देने के लिए करता है वो यहाँ पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं लेकर देखिए, आज केंद्र सरकार का विरोध जो किसी तरह इस सरकार को जिताना चाहती है, और ये युवा मुख्यमंत्री जो झारखंड को आगे लेके चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार से डर गई है, इसलिए केंद्र सरकार ईडी का बहाना लेकर सरकार को गिराना चाहती है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका विरोध करती है, और जब तक उनका न्याय नहीं मिलेगा सड़क से सड़क तक हम लोग इसी तरह आगे जुलूस निकाले रहेंगे। देख सकते हैं भी कार्यकर्ता है, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अब आगे कहाँ। अब यहाँ लोगों की काफी भीड़ है, कहाँ जाएंगे? देखिए, अभी तो हम लोग यहाँ पूरे झारखंड से आक्रोश है, आक्रोश जताने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, और हेमंत सोरेन के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। अभी हम लोग आभार भी जता रहे हैं कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद हेमंत सोरेन को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरे झारखंड से आक्रोशित है लोग, और यहाँ पहुँच रहे हैं हेमंत सोरेन के समर्थन में। हम लोग वही रहेंगे। अंतुदा बताइए क्या? हमें सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, जिस तरह से हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से तंग किया जा रहा है, दिग्दिग किया जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये जो चुनी हुई सरकार है, लोकप्रिय सरकार हेमंत जी के सरकार, आज जो देख रहे हैं कि विकास की गाड़ी पटरी पर चल रही है, दौड़ रही है, ऐसे समय में इनको परेशान करना इसे कहीं से भी सही नहीं है, और इसका जवाब हमारे कार्यकर्ता देंगे। कार्यकर्ता इस तरह से उत्साहित हैं, लेकिन आक्रोश भी है साथ में अंजनी, और ये आक्रोश इसलिए कि ये कहा जा रहा है कि ये सब एक साजिश रची गई है, और साजिश के तहत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। अंजनी, आप बने रहिए हमारे साथ, बिपिन आप भी बने रहिए, और शाहनवाज, दीपक आप सब हमारे साथ बने रहिए। हम लौटेंगे और इस बड़ी खबर पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, साथ ही पल पल के अपडेट्स न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचाएगा। लेकिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर की ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, सवाल जवाब चल रहा है, और इन सवाल जवाब के बीच दूसरी तरफ जो राज्य भर से कार्यकर्ता जुटे हैं उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। वो आक्रोशित है, एक गुस्सा है विपक्ष के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। ये सारी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। मेरे साथ इतना ही, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।